हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए इसी मस्ती के साथ आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं, सस्पेंशन। ओके, सस्पेंशन हमारे चैप्टर का एक नया टॉपिक है। बच्चों, हम लोग जैसा कि इज मैटर अराउंड अस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस चैप्टर में हमने क्या देखा, फ्लैशबैक में जाइए। उस चैप्टर में हमने देखा प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में हमने देखा था एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में। फिर हमने बात करी थी इम्प्योर सब्सटेंसेस की, जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे मिक्सचर। और मिक्सचर में मैंने बताया था कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेटरोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हमने काफी डिटेल में लास्ट सेशन में पढ़ा था, जो कि था हमारा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशंस में हमने डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस भी देखे थे और ये देखा था कि सॉल्यूशन जो होता है वो होता है होमोजेनियस। अब हम बात करेंगे हेटरोजीनियस मिक्सचर की। हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? हमारे सस्पेंशन एंड कोलोइड। तो सस्पेंशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि सस्पेंशन हमारा क्या है, हेटरोजीनियस मिक्सचर। ओके, हेटरोजीनियस का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको होमोजीनियस मिक्सचर में बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर है वो है हमारा सॉल्यूशन। तो आपने क्या समझा था सॉल्यूशन में, आपने क्या समझा कि ये होमोजीनियस है, दैट मींस कि ये इवन है। मतलब यदि मैं बात करूं कि एक बीकर में या एक ग्लास में मैंने पानी लिया है और उसमें डाला है कुछ शुगर को, इस बीकर का नाम है ए। दूसरे बीकर में हमने फिर से पानी लिया और इसमें डाला थोड़ा सॉल्ट को, इस बीकर का नाम है बी। सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाएंगे और शुगर भी डिसॉल्व हो जाएंगे, और आफ्टर डिसॉल्विंग जो भी सॉल्यूशन बनेगा, तो क्या आप बताइए कि क्या इन सॉल्यूशन में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इज द डिफरेंट थिंग। हाँ, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो बता सकते हो कि अच्छा ये मीठा पानी है और ये नमकीन पानी है। बट ऐसे यदि हम बात करें तो हमारे सॉल्यूशन में शुगर मिला हो या सॉल्ट मिला हो, हम ये नहीं बता पाएंगे कि शुगर किसमें है और सॉल्ट किसमें है। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि शुगर तो डिजॉल्व हो गया, सॉल्ट भी डिजॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने के बाद ये बताना मुश्किल है कि इसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ओके, तो ये बात थी हमारे सॉल्यूशन की। जब हम हेटरोजीनियस मिक्सचर पे आएंगे तो हेटरोजीनियस मिक्सचर के दो एग्जांपल हैं, एक सस्पेंशन है और दूसरा कोलोइड है। हम सस्पेंशन को आज पढ़ेंगे और कोलोइड को नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जब मैं बता रही हूं कि सस्पेंशन हेटरोजीनियस है, दैट मीन्स कि इट विल नॉट मिक्स प्रॉपरली। इसका मतलब कि उसका जो मिक्सचर होगा वो इवन नहीं होगा। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस से मिलकर ये बना हुआ है। जैसे यदि हमने एक बीकर लिया ए, उसमें हमने डाल दिया पानी और फिर डाला थोड़ा रेत, ओके, बालू, सैंड को डाल दिया। ओके, तो हम लोग क्लियर कट इसमें देख सकते हैं पानी को और सैंड को, क्योंकि सैंड जो होता है वह पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। हाँ, और कुछ समय के बाद आप क्या देखेंगे, ये जो सैंड है नीचे जाकर सेटल डाउन भी हो जाता है। ओके, विच इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। नीचे बैठ जाएंगे सैंड और आप क्लियरली देख सकेंगे कि ये जो मिक्सचर है वो हमारे पानी और सैंड का मिक्सचर है। क्लियर? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन इज द हेटरोजीनियस मिक्सचर। और जब आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो देन यू कैन से दैट सस्पेंशन इज द सच टाइप्स ऑफ द मिक्सचर इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन फिजिकली
ओके, फिजिकली नॉट केमिकली. हम लोग केमिकली क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मिक्सचर में कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड के समय ही बताया था कि कंपाउंड जो है वह क्या है, प्योर सब्सटेंस है, और कभी भी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है. तो उस समय उनमें क्या होता है, वो जब कंबाइन करते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज केमिकल. अब ये तुम पूछोगे कि मैम ऐसा होता है क्यों, क्यों सॉल्यूशन में जो है पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, क्यों सस्पेंशन में पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते. तो ये सब क्या होता है, किसका है, किसका खेल है, ये सब पार्टिकल के साइज का खेल. जब हमने बिकर लिया, बिकर में पानी लिया और इसमें सॉल्ट या शुगर को डाला, तो मैं सॉल्यूशन में क्या बताई थी कि उसके जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वह 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं. मतलब साइज ऑफ द साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन सॉल्यूशन, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर. मतलब ये जो है हमारा लेस देन 1 नैनोमीटर, ये क्या है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, सॉल्यूशंस पार्टिकल, ठीक है भाई. बट जब आप देखेंगे सस्पेंशन में, तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंशन पार्टिकल्स विल बी लार्जर, बड़े होंगे, और या तो 100 नैनोमीटर होंगे या मोर देन 100 नैनोमीटर, है ना, मोर देन 100 नैनोमीटर ही बोलो, ओके. क्योंकि 100 नैनोमीटर से तो छोटे होंगे नहीं कभी. नैनोमीटर को मैं बता चुकी थी, दैट इज 10^-9. ओके, तो हमने बिकर लिया, इसमें पानी डाला और इसमें डाला सैंड को. सैंड के पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से बड़े होंगे, और हमारे शुगर के पार्टिकल्स होंगे, जो इसमें हमने शुगर डाला उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, लेस देन 1 नैनोमीटर. तो शुगर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते. हमारे इसमें हमने डाला था सैंड, सैंड के पार्टिकल्स इतने बड़े होंगे कि ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे. मैंने ये बताया था कि वाटर या कोई भी चीज जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, याद करो फर्स्ट चैप्टर में मैटर्स में ये बताया गया था आप लोगों को कि मैटर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, इसलिए शुगर के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं तो उन स्पेस में जाके वो एडजस्ट कर जाते हैं. ओके, जैसे एक बेंच पे 4 बच्चे बैठे हैं, यदि चारों बच्चे बहुत पतले पतले हैं, ठीक है, या फिर चलो ठीक ठाक ही बच्चे हैं, हेल्दी बच्चे हैं, तो एक बच्चा दूसरा जो बहुत पतला सा रहेगा वो आके आराम से एडजस्ट हो जाएगा. बट यदि कोई गोलू मोलू बच्चा आ जाएगा तो उस पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो उसमें उस बेंचेज में एडजस्ट नहीं कर पाएगा. ओके, तो इस तरह से ये जो हमारे सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं वो इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के साइज बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं. आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी. ओके, अब हम बात करेंगे, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे यदि हम बात करें, सबसे अच्छा एक एग्जांपल है टेलकम पाउडर एंड वाटर का. तो तुम कभी बिकर लेना, बिकर या ग्लास लेना, बिकर तो घर में नहीं होगा, ग्लास में पानी लेना और उसमें तुम टेलकम पाउडर को डाल देना, ठीक है. तुम देखोगे, तुम क्लियर कट यू विल सी दैट द टेलकम पाउडर आर फ्लोटिंग इन द वाटर, वो वाटर के ऊपर तैरता रहेगा. हाँ, धीरे धीरे जब वो थोड़ा पानी के साथ चमिक्स हो जाएगा तो धीरे धीरे जाकर सेटल डाउन होगा, लेकिन तुमको क्लियर कट डिमार्केशन दिखेगा टेलकम पाउडर एंड वाटर का. इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जब तुम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो तुम्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक सस्पेंशन ही। इसी तरह से यदि हम लाइम वाटर को, लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं H2O के साथ तो हमें मिलता है लाइम वाटर। तो ये सब जो है हमारे क्या है, सस्पेंशन के एग्जांपल है। एक चीज मैं और तुम्हें बता दूं, तुम्हारे घर में जो पेंट होता है, तो तुम्हारे घर में जो पेंट होता होगा फिर उसको यदि तुम्हारे पास पेंट कुछ बच जाते होंगे तो उस पेंट के डब्बा को तुम्हारे घर में संभाल कर रख लिया जाता है, ठीक है, पेंटिंग के बाद जब घर में पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो। और कुछ दिनों के बाद मान लो कहीं पे कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ भी ऐसा, तो तुम फिर से दोबारा पेंट को निकालते हो तो क्या देखते हो, ऊपर जो है वह पानी फ्लोट करता रहता है और नीचे जो है वह पेंट बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो जो हमारा पेंट है वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है सस्पेंशन का। पेंट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, ओके। इसके बाद तुम्हारा मडी वाटर, जो रिवर वाटर होता है जिसमें मड मिक्स होता है, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सस्पेंशन का। तो ये सब एग्जाम्पल थे और इससे आई होप बहुत ही क्लियर हो चुका होगा कि सस्पेंशन क्या है। तब अब हम देखेंगे सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज को। Now see the properties of suspension. जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा था बहुत सारे प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के, इसी तरह से सस्पेंशन के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज। तो यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, क्या कह सकते हो हम सबसे पहला प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, कि दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर में अब तक आई थिंक तुम लोग बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन समझ चुके होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर में मैं कई बार बता चुकी हूँ, 10 बार बता चुकी हूँ कि देयर विल बी नो एनी डिमार्केशन। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यू कैन सी द क्लियर कट बाउंड्रीज ऑफ द टू कॉम्पोनेंट। ओके, सेकेंड थिंग, जब तुम पानी में शुगर को मिलाते हो या सॉल्ट को मिलाते हो तो क्या हो, तुम एक फिल्टर पेपर लो, उसमें शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशंस को डालो, तुम्हें क्या होगा, तुम्हें कोई रेसिड्यू दिखाई देगा फिल्टर पेपर के ऊपर, तुम्हें कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलेगा। ओके, बट यही चीज तुम सस्पेंशन के साथ करते हो, यही चीज सस्पेंशन के साथ दोहराते हो तो क्या होता है, फिल्टर पेपर पे तुम्हें कुछ ना कुछ रेसिड्यू दिखाई देगा। ओके, जब हम सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं तो उसमें यू कैन नॉट गेट एनी प्रेसिपिटेट और रेसिड्यू। लेकिन यदि हम सस्पेंशन को, सस्पेंशन के मिक्सचर को फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें फिल्टर पेपर पर उसके प्रेसिपिटेट, उसके रेसिड्यू दिखाई देंगे। तो तुम इसमें लिख सकते हो कैन फिल्टर थ्रू फिल्टर पेपर, यस ऑफ कोर्स। बच्चों यदि तुमने सैंड का और पानी का मिक्सचर लिया है जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और उसको तुम फिल्टर पेपर के ऊपर डाल रहे हो तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें क्या मिलेगा, फिल्टर पेपर के ऊपर बालू मिल जाएंगे, सैंड मिल जाएंगे, रे मिल जाएगी। ओके, तो ये क्लियर हो गया, होगा कि यू कैन फिल्टर द थ्रू फिल्टर पेपर। थर्ड थिंग इज द, इसकी जो साइज होते हैं, पार्टिकल्स की जो साइज होते हैं, इसके तो फिल्टर कर पाते हो ना क्योंकि उसमें मिक्स नहीं हुआ, तो इसके जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, मोर देन 100 नैनोमीटर। और इसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है जो मैं अभी बताने जा रही हूं कि साइज जो पार्टिकल्स के बड़े होते हैं तो इससे क्या होगा,
बच्चों सॉल्यूशन में क्या होता था कि साइज पार्टिकल्स के इतने छोटे होते थे कि जब लाइट पास होते थे सॉल्यूशन से तो स्कैटर तो होते हैं बट इतना छोटा पार्टिकल्स होता है कि तुम्हें स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई नहीं देता, इट्स नॉट विजिबल। बट ये क्या करेगा, इसके साइज इतने बड़े होते हैं पार्टिकल्स के, ये सॉल्यूशन है तो सॉरी सस्पेंशन है, इसमें ये पार्टिकल्स के साइज है। एक बीम ऑफ लाइट कम्स थ्रू इट, इसके साथ जाता है तो क्या होगा, जब लाइट यहाँ पर है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शंस, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, तो इस तरह से ये आगे बढ़ा तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से यू कैन क्लियर कट सी द पाथ ऑफ द लाइट इन दिस। बट सॉल्यूशन में तुम्हें यही पाथ नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट which is called the Tyndall effect. It is scatter the beam of light and it is called Tyndall effect. Yadi light pass hota hai, if light passes through the heterogeneous solutions which is the suspension, to jo light honge scattered honge. Beam of light if it passes through it, okay? And it is called Tyndall effect. Clear? Next, fifth one. अब हम बात करेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स विल बी सेटल्ड ऑन, पार्टिकल्स विल बी सेटल्ड ऑन, नीचे जाकर जमा हो जाते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं बिकॉज इट डज नॉट डिजॉल्व इन इट, उसमें तो डिजॉल्व होंगे नहीं, तो क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स जो होंगे वह नीचे जाके सेटल हो जाएंगे और ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं। क्लियर बच्चों, कैसे कि जब कभी एक बीकर लिया तुमने, उसमें रेत डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो क्या हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स धीरे धीरे यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। हाँ, और एक बात मैं तुमको यहाँ बता दूं, ये जो बीम ऑफ लाइट होते हैं वो स्कैटर तभी होंगे जब तुम्हारे पार्टिकल्स इसमें मूव करते रहेंगे, ओके, जब पार्टिकल्स इसमें मूव करते रहेंगे, इसलिए जब तुम्हें बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कराना होता है तो उस प्रेसिपिटेट को थोड़ा स्टीयर करना पड़ता है, क्योंकि जब ये नीचे जमा हो जाएंगे तो फिर कौन से पार्टिकल्स उसको स्कैटर्ड करेंगे, वह स्कैटर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है, पार्टिकल्स फिर सेटल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तुमने सॉल्यूशन को देखा था, वो जो सॉल्यूशन था वो क्या था, ट्रांसपेरेंट था, मतलब तुम्हें उसके आर पार दिखाई देती थी। यदि तुमने एक शरबत का ग्लास लिया, एक मीठे पानी का ग्लास लिया या एक नमक पानी का ग्लास लिया, तो तुम उसके आर पार क्लियरली देख सकते, तो डेट इज नोन एज द ट्रांसपेरेंट। बट यदि तुम सस्पेंशन को लोगे तो वो क्या होता है, ओपेक, मतलब तुम्हें उसके आर पार नहीं दिखाई देती है। तो मडी वाटर लेकर देखो, पानी में थोड़ी मिट्टी को मिला दो, क्या तुम्हें उसके आर पार दिखाई देती है, अभी नहीं दिखाई देती, ओके। तो बच्चों ये था हमारा सस्पेंशन के बारे में, दीज आर ऑल अबाउट द सस्पेंशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कोलोइडल के बारे में, तब तक एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सस्पेंशन में हमने क्या देखा, सस्पेंशन में हमने देखा कि इट इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइंड फिजिकली नॉट केमिकली, ओके। ऐसा क्यों होता है, उसमें पार्टिकल्स क्यों नहीं डिसॉल्व होते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स के साइज जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मोर देन 100 नैनोमीटर, ओके। अब जब हम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ा, ये क्या होते हैं, बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी देखे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइम वाटर, ब्लीचिंग पाउडर, टेलकम पाउडर को पानी में मिला दिया, ओके। अब जब हम सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो ये एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वह इवेनली मिक्स नहीं होते,
दूसरा हमने देखा कि ये कैन फिल्टर थ्रू द पेपर, फिल्टर पेपर, ओके, क्योंकि पार्टिकल्स के साइज इतने बड़े होते हैं कि डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, और यदि हम फिल्टर पेपर के थ्रू इसको फिल्टर करते हैं तो वी कैन गेट द रेसिड्यू। साइज ऑफ द पार्टिकल्स मोर देन द 100 नैनोमीटर स्कैटर द बीम ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड द टिंडर इफेक्ट, बिकॉज इसमें पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं सस्पेंशन में, तो जो भी लाइट आते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमें जो लाइट का पाथ है वो क्लियरली दिख जाता है। पार्टिकल्स चूंकि डिसॉल्व होते नहीं है इसलिए उसको थोड़ी देर तक छोड़ दो या तीन घंटे, तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे जाकर सेटल्ड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और ये ओपेक होता है, इसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता। ओके बच्चों, आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और रिविजन करो।